नमस्कार, सरकारी योजना में आप सबको स्वागत है। इस वक्त की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। यहाँ अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए जो है अहम भरी खबर जो है प्रधानमंत्री की तरफ से निकल कर आ रही है, जो आप लोग को जान लेना काफी बेहद जरूरी है। अगर आप ये खबर नहीं जानेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है 5,95,000 खातों की जो है यहाँ पर जाँच की गई है, जिसमें जो है 5,38,000 जो है लाभार्थी इसमें फर्जी पाए गए हैं, जिसको जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर जितने रकम ली गई थी उस सभी रकम को जो है यहाँ पर जो है वापस ले रही है सरकार। तो आपको जो है ये खबर जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा, तभी जो है आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल में समझ पाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लाभार्थियों तक पहुँच सके। और अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसका पोल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके सरकारी योजना का लाभ उठा सके। पीएम किसान स्कीम में जो है 5.95 लाख खातों की जो है अभी तक जांच हुई है, जिसमें जो है 5.38 लाख लाभार्थियों जो है निकले हैं फर्जी। अब सरकार उठाएगी सख्त कदम। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने जो है बदल दिया था जिला अधिकारियों का पासवर्ड, वरना होता और बड़ा घोटाला। ये जो है बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने फुल प्रूफ सिस्टम में भी फर्जीवाड़ा करने वाले लोग सेंध लगा लेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में अवैध तरीके से पैसा निकालने के मामले की जब जाँच शुरू हुई तो अपात्र यानी फर्जी लोगों के आंकड़े को देख कर सरकार हैरान हो गई। तमिलनाडु में 5.95 लाख लाभार्थियों की अकाउंट की जांच की गई, जिसमें जो है 5.38 लाख फर्जी निकले हैं। देखिए यहां पर जो तमिलनाडु में जो है कुल लाभार्थी जो है 5.95 लाख लाभार्थी है, जिसमें जो है अभी तक जो है पूरी जांच हुई है, जिसमें 5,38,000 लाभार्थी जो है यहाँ पर फर्जी पाए गए है, जिसका जो है यहाँ पर अब संबंधित बैंकों के जरिए फर्जी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में की गई रकम को वसूलने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, ताकि यह पैसा केंद्र सरकार के अकाउंट में वापस आए और उसका सही जगह इस्तेमाल हो सके। अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। यहाँ पर जो है अभी तक जो है फर्जीवाड़े से जो है यहाँ पर 61 करोड़ जो है रुपए वसूले गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 96 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। अपात्र लाभार्थियों की रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार पाए गए 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। 3 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तथा 5 सहायक कृषि अधिकारियों को जो है सस्पेंड भी यहाँ पर किया गया है। ये लोग पासवर्ड के दुरुपयोग के लिए जो है जिम्मेदार पाए गए थे, इन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर सस्पेंड भी किया गया है। 13 जिलों में FIR दर्ज करके संविदा कर्मियों को सहित 52 लोगों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग जो है इससे कैसे आप लोग बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के विचार विमर्श करके स्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर प्रणाली को सुदृढ़ करने का जो है काम शुरू किया है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि असली किसान परिवारों की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। यहाँ पर जो है अब राज्य सरकार की जो है यहाँ पर जिम्मेदारी होगी कि कौन से किसान जो है यहाँ पर असली है और कौन से किसान जो है यहाँ पर फर्जी है। यहाँ पर जो है अब राज्य सरकार की जो है सौंपा गया है ये जिम्मेदारी। कैसे रोका गया फर्जीवाड़ा? पीएम मोदी की ड्रीम स्कीम में से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए निकालने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच करवाई। इससे यह पता चला कि कुछ बेईमान लोगों ने स्कीम के तहत अपात्र व्यक्तियों की जो है बड़ी संख्या में बुकिंग करने के लिए जिला अधिकारियों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया था। इससे जो है यहाँ पर जो है इतने फर्जी जो है इसमें पाए गए हैं। अगर आप भी फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है ये जल्दी से छोड़ दीजिए, वरना जो है आप लोग को बाद में जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में जो है आप लोग पड़ सकते हैं। तो आप लोग को जो है छोड़ना कैसे, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना, आप लोग जो है उस वीडियो को देख कर जो है आप लोग को क्या करना है सारा जानकारी जो है उस वीडियो में दिया गया है, आप छोड़ सकते।
अगर आपके परिवार में 2-3 मेंबर ने जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है, हर घर में जो है एक ही परिवार को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। और अगर आप 2-3 मेंबर लेते हैं तो आपको जो है 2-3 मेंबर को जो जल्द से जल्द जो है आप लोग छोड़ दीजिए, वरना जो है आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।